भारत 6 दिन के अंदर दोबारा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के फोर का सफल परीक्षण किया। आज शुक्रवार को 3500 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल का दूसरा परीक्षण किया गया। बंगाल के खाड़ी में समुन्द्र के नीचे स्थित एक नकली सबमरीन से 19 तारीख को के फो का एक और परीक्षण किया गया था। DRDO द्वारा निर्मित इस मिसाइल के रेंज में पूरा पाकिस्तान और चीन के ज्यादातर हिस्सा आते हैं। के फोर मिसाइल को भारत की अरिहंत श्रेणी के सबमरीन में शामिल किया जाएगा। आज के परीक्षण के बाद के फोर का विकास की चरण पूरा होने का आसार है। इस मिसाइल की सभी तरह की क्षमता परीक्षण में सफल हुआ। एक सूत्र ने बताया कि अब इस मिसाइल का सीरियल प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा, मतलब कुछ दिनों में ही के फोर हिंद महासागर के नीचे से चीन और पाकिस्तान में हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। भारत के फोर के जरिए दूसरा परमाणु हमला करने की क्षमता हासिल किया है, मतलब कोई देश अगर पहले परमाणु हमला करके भारत की जमीन और हवा से परमाणु हमला करने का क्षमता को खत्म भी कर देता है, तब भी भारत समुन्द्र के नीचे से उस देश पर परमाणु हमला करने में सक्षम होगा। 3500 किलोमीटर रेंज वाले के फोर के बाद DRDO के फाइव के ऊपर काम शुरू करेगा, जिसका रेंज होगा 5000 किलोमीटर। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।